नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासोदा से। यहां दिल का दौरा पड़ने से 30 साल के युवक दीपू की मौत हो गई। छोटे शराबदा में रहने वाले दीपू को हार्ट अटैक आया था, जिससे दीपू की तबीयत खराब हो गई थी। बड़ी मशक्कत के बाद उसे राजीव गांधी अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने उसे आनन फानन विदिशा के लिए रेफर कर दिया था, लेकिन रास्ते में ही दीपू की मौत हो गई थी। मृतक दीपू के परिजन उसका शव लेकर वापस घर लौट रहे थे, लेकिन नदी के उफान पर होने के चलते परिजनों को घर पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। इस घटना की जानकारी प्रशासन को लगी, लेकिन प्रशासन के पास मोटर बोट और ट्यूब नहीं थे। स्थानीय प्रशासन ने विदिशा से होमगार्ड का ट्यूब मंगवाया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद मृतक दीपू का शव उसके घर पहुँच सका। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज बासोदा से एल एन चौबे के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट। आ गई तो नदी में लिटा के ट्यूब पे बैठाल के आड़ा करके उसके लिए लाए गए थे। इस तरह वो पुलिया पे पानी कम से कम 8-10 फीट पानी पुलिया पे है, और इसके पहले 2 महिलाओं को भी उतारी थी डिलीवरी पीरियड में। पर बहुत पानी था सर, जिसके कारण उसको तबीयत खराब हो गई ज़्यादा, तो उसको ट्यूब के सारे निकालना पड़ा। 3-4 लोग हम ट्यूब लेके आए थे, उसको अस्पताल भेजाया, वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। आप लोगों के माध्यम से ही हमें ये घटना की जानकारी प्राप्त हुई है। वैसे ये ट्यूब वाला जो आइडिया है ये बहुत ही गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। दूसरी अनहोनी भी हो सकती है इसमें। अभी उस व्यक्ति की जो नेगेटिव को जानकारी मिली खत्म हो गए हैं, तो उनको अभी हमारे साथ ही लेकर आए हैं, और हम शासकीय स्तर पर जो बोट है उसके माध्यम से दूसरे गाँव की तरफ भेजने की व्यवस्था की।